भारत में क्रिकेट का खेल एक धर्म की तरह है, और अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं तो लोगों के दिल में आपके लिए एक अलग जगह होती है। लेकिन बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के साथ कप्तानी को लेकर जो बीसीसीआई ने किया, सौरव गांगुली के स्टेटमेंट्स आए, विराट कोहली की भी क्लैरिफिकेशन आई, अपने आप में इस पूरे मुद्दे को बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बना दिया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां पे विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव जैसे बड़े दिग्गजों के साथ बीसीसीआई ने ऐसा किया है। जी हां, बताएंगे आपको कि कोहली से पहले भी कई लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ कप्तानी को लेकर हमेशा से कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी रही, और एक वक्त के बाद बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों के साथ भी नाइंसाफी करी। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है 1983 वर्ल्ड कप विनर यानी कि भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव का। जी हां, 1983 में जिस तरीके से भारतीय टीम ने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया था, लॉर्ड्स के मैदान पे जिस तरीके से वेस्टइंडीज को मात दी थी, सभी को लग रहा था कि अब तो जो है कपिल देव आने वाले कई सालों तक भारतीय टीम के कप्तान रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, एक साल बाद यानी 1984 में उन्हें बीसीसीआई ने कप्तानी से हटा दिया, उनकी जगह सुनील गावस्कर को टीम का कप्तान बना दिया, जो कि अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बीसीसीआई की तरफ से थी। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कपिल देव से काफ़ी ज़्यादा निराश था, कुछ सीरीज ज़रूर उनके हित में नहीं गई थी बतौर कप्तान, लेकिन इस तरीके से कपिल देव का हटना बहुत बड़ा सवाली निशान बीसीसीआई पे उठा रहा था। लेकिन 1984 में जब सुनील गावस्कर कप्तान बनाए गए तो सभी के लिए एक एक अनयूजुअल सी घटना सी रही, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आप कि एक ही साल के अंदर अंदर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा बीसीसीआई ने 1984 में किया था। इसके बाद नंबर आता है भारतीय टीम के लेजेंडरी बैट्समैन, गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। जी हाँ, बड़ी हैरानी होती है जान के कि जिस खिलाड़ी ने इतना कुछ भारतीय क्रिकेट को दिया, उसके साथ बीसीसीआई ने 1996 में कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को पहली दफा कप्तानी मिली 1996 में, उसके बाद 1997 में उनसे कप्तानी ले ली गई और दे दी गई मोहम्मद अजहरुद्दीन को, जिसकी खबर जो है सचिन को किसी बीसीसीआई के अधिकारी के द्वारा नहीं मिली, ना ही कोई ऑफिस बियर्स ने उनसे इस बारे में बातचीत करी। हालांकि ये जो खबर थी ये सचिन को मिली मीडिया के द्वारा। जी हाँ, बड़ी हैरानी की बात है कि बीसीसीआई ने सचिन को ये बताना तक सही नहीं समझा कि आप अब टीम के कप्तान नहीं रहे हैं। ये खबर भी उन्हें एक मीडिया पर्सन ने जो है बताई, उसके बाद सचिन को काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि हर्ट हुई इस बात से, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने इतना कुछ आपके लिए किया हो, कप्तान एक एक खिलाड़ी रहा है और इतने रन्स की झड़ी लगा दी थी सचिन तेंदुलकर ने, और एक युवा सितारे के तौर पे वो उभर रहे थे, लेकिन बीसीसीआई ने इस तरीके का सलूक भी उस खिलाड़ी के साथ किया जो कि आगे चल के जो है भगवान बनने वाला था क्रिकेट का। और सचिन ने खुद ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, माना है कि ये जो पूरा इंसिडेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही ज़्यादा हर्ट और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड उन्होंने फील किया जब इस तरह की घटना उनके साथ हुई। और ये दिखाता है कि खिलाड़ी के तौर पे सचिन तेंदुलकर या कप्तान के तौर पर सचिन तेंदुलकर की जब बात होती है तो हमेशा खिलाड़ी के तौर पे आप उन्हें ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि कप्तानी का जो एरा था वो कुछ खास रहा नहीं था उनके लिए, इसके बारे में शायद वो खुद भी ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद लिस्ट में आते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के दादा और फिलहाल बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। जी हाँ, बड़ी हैरानी होगी जान के आपको कि इस वक्त सौरव गांगुली जरूर बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं, लेकिन 2005 में कुछ ऐसा हुआ था जहां से सौरव गांगुली का करियर पूरी तरीके से पलट गया। जी हाँ, ग्रेग चैपल उस दौरान टीम के कोच थे, और जिस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी उस एरा में सामने आई थी, उस दौर में सामने आई थी, ऐसा पहले कभी शायद भारतीय क्रिकेट टीम में हमने देखा नहीं था। जी हाँ, सौरव गांगुली के साथ भी 2005 में कुछ ऐसा ही हुआ था जहां में ग्रेग चैपल नहीं चाहते थे कि टीम के कप्तान के तौर पर जो है सौरव गांगुली टीम में रहें,
चैपल का हमेशा से मानना था कि यंगस्टर्स को जो है ज्यादातर जगह मिलनी चाहिए। दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ियों को वो जरूर टीम में लेके आना चाहते थे, और गांगुली जो कि ग्रेग चैपल को टीम का कोच बनवा के लेके आए थे, उनकी इस तरीके से जब सोच सामने आई थी ग्रेग चैपल की गांगुली के लिए, तो भैया ये दिखाता है कि कितनी कुछ पॉलिटिक्स उस वक्त टीम मैनेजमेंट चल रही थी, कितना कुछ बीसीसीआई में चल रहा था। और एक वक्त के बाद कप्तानी जो है वो जरूर ले ली गई सौरभ गांगुली से, उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, राहुल द्रविड़ को टीम का कप्तान बना दिया गया। उसके बाद जो हुआ फिर हम सभी ने देखा है कि गांगुली ने जबरदस्त वापसी जरूर करी थी साउथ अफ्रीका दौरे से, पहले वनडे टीम से बाहर होना, फिर टेस्ट टीम से बाहर होना, और उसके बाद कप्तानी के साथ साथ कप्तानी का भी चला जाना। ये दिखाता है कि गांगुली के लिए भी करियर जो रहा था अंतिम कुछ साल कुछ खास नहीं रहे थे, स्पेशली 2005-06 का जो दौर था बहुत ही एक अनफॉरगेटेबल दौर आप कहना चाहेंगे गांगुली के लिए रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिलहाल विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान हैं, और जो भी कुछ उनके साथ हुआ कि गांगुली के अंडर हुआ। जी हाँ, गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट फिलहाल हैं, और आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरीके से चीज़ें उनके अंडर होंगी, उनकी अथॉरिटी के नीचे होंगी, लेकिन गांगुली खुद ये चीज़ें फेस कर चुके हैं। लेकिन विराट कोहली के साथ ये होना, क्या गांगुली इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने को मिलते नहीं है, जब एक प्रेसिडेंट इन चीज़ों से निकल के आया होता है तो वो नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई भी चीज़ इंडियन क्रिकेट में या फॉर दैट मैटर कोई और स्पोर्ट में देखने को मिले। लेकिन सौरभ गांगुली तो सौरभ गांगुली हैं, कभी भी अपनी स्टेटमेंट देने से चूकते नहीं हैं। और विराट कोहली को लेके भी रिसेंटली उन्होंने एक कमेंट किया था कि विराट कोहली का एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन वो लड़ते ज़्यादा हैं। अब देखिए, ये इस तरीके की चीज़ें प्रेसिडेंट के द्वारा आना, कुछ वक्त पहले विराट कोहली का ये कहना कि उनके पास ऐसा कुछ स्टेटमेंट ही नहीं आया था कि आप कप्तानी मत छोड़िए T20 फॉर्मेट की, तो ये दिखाता है कि ओवरऑल इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली हो, सचिन हो, सौरभ गांगुली हो, कपिल देव हो, कोई भी जो है बीसीसीआई से बचा नहीं है। सबके सब खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई ने कुछ इस प्रकार की चीज़ें करी हैं जो कि आप नहीं एसोसिएट करना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट में। तो ये लिस्ट थी पूरी, जहां पे विराट कोहली के अलावा भी कई लेजेंडरी प्लेयर्स थे जिनके साथ कप्तानी को लेके हमेशा से एक जंग सी छिड़ी रही थी, और फिलहाल इंडियन क्रिकेट में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो ये कुछ खास खबर नहीं है। बड़े डेवलपमेंट्स इस प्रकार के आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को, पूरे मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बनाता है। आपका क्या कहना है इस बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पे, कैप्टनसी सागा को लेके आप क्या समझते हैं, कौन सही है, विराट कोहली सही बोल रहे हैं, गांगुली सही बोल रहे हैं, बीसीसीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन सही है, चेतन शर्मा चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स सही है, कौन सच बोल रहा है, ये जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया किस बात की देरी है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।